कंगना रनौत ने टाइम्स नाउ के एक कार्यक्रम में 1947 में मिली आज़ादी को भीख बताया था और कहा था कि असली आज़ादी 2014 में मिली है। इस बयान के बाद कंगना की खूब आलोचना हुई और पद्मश्री वापस लिए जाने की मांग होने लगी। इसी बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के एक कथित ट्वीट का स्क्रीनशॉट वायरल है। इस ट्वीट के मुताबिक राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी से कंगना का पद्मश्री पुरस्कार वापस लेने की अनुमति मांगी है। ये कथित स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए यूजर्स कह रहे हैं कि देश के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से अनुमति मांगनी पड़ रही है। फेसबुक पर ये स्क्रीनशॉट वायरल है। ऑल्ट न्यूज ने पाया कि ये एक फर्जी अकाउंट से किया गया ट्वीट है। राष्ट्रपति ने ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया है। राष्ट्रपति के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल और स्क्रीनशॉट में दिख रहा हैंडल नेम अलग अलग है। साथ ही में वायरल तस्वीर में प्रेसिडेंट का स्पेलिंग गलत लिखा है। ट्विटर पर इस हैंडल नेम के बारे में सर्च करते हुए हमें मालूम चला कि इस अकाउंट को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। वायरल स्क्रीनशॉट में दिख रहे ट्वीट का आर्काइव वर्जन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ इस अकाउंट के बायो में लिखा है कि ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का फैन अकाउंट है। इस तरह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम से चलाए जा रहे एक फर्जी अकाउंट से किया गया ट्वीट असली मानकर शेयर किया जाने लगा। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर राष्ट्रपति ऐसा कोई ट्वीट करते तो इस बारे में मेनस्ट्रीम मीडिया में खबर जरूर होती।